आयातुल इसाइलीन। अल्लाह ने लाम ताकीद दा, लाकद कद भी ताकीद दा। अल्लाह करीम ने दो तकीदा यानी गल पक्की करने वास्ते फरमाया, फी यूसुफा व इख्वतिही, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम और उन्होंने भाइयों के इस किस्से दे अंदर, इस वाक़े दे अंदर आयातुल लिसाइलीन बड़िया बड़िया निशानियां मौजूद ने। इस किस्से दे अंदर निशानियां केड़ियां मौजूद ने? साइलीन सवाल करने वाले कौन सन? ये सवाल करने वाले खाक कुरेश होन या दाब दर परदा यहूद होन। इन्हां दोनों आगाह किया जा रहा है कि हुण सर जमीन अरब मक्का और मदीना दे अंदर वाकयात किनान और मिस्र नू दोहराया जाएगा। ये क्या निशानी? गल समझा जरा। सवाल करने वाले नू तंबीह की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है। सवाल करने वाले हो, पूछण वाले हो, उन्होंने पूछा कि जनाब किनान शाम दे इलाकियां चो ये मिस्र हजरत याकूब अलैहि सलाम बनी इसराइल किवें मुंतकिल होए? अल्लाह ने मैं दसिया ना पिछले जुमे अंदर, अल्लाह करीम ने इन्हां दे सवाल पिछले तो पिछले जुमे इन्हां दे सवाल खत्म होने तो पहले सूरह यूसुफ नाजल फरमाई। गल समझ आई ना? अल्लाह मेरे नबी सूरह यूसुफ पढ़ पढ़ के सुना दे गए और इदे अंदर आयतुन आयतुन यानी निशानियां निशानियां की निशानियां। इदे अंदर बहुत बड़े मसाइल हल हो जाते ने। एक निशानी ये भी है कि इन्हां यहूदियां नू जेड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्माइल नबी दे भाई ने और एक कुरैश जेड़े ने जेड़े जो मुहम्मद अरबी दे करीबी ने, एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने मुती होना पड़ेगा। एक दिन मुती हो के आणगे, ए भी आणगे कुरैश जेड़े मुखालफता करदे ने ना, ए भी एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने मुती हो करके आणगे। जिस तरीके नाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई सय्यदना यूसुफ दे सामने मुती होए, ये निशानियां ने आयतुल लिसाइलीन। जे निशानियां हाँ जी, सवाल करने वाले वास्ते दे अंदर बड़े बड़े असबाक बड़िया बड़िया निशानियां मौजूद ने। अगर समझण ते कुरैश वास्ते एक लतीफ इशारा मौजूद है, हाँ जी इशारा ये भी इहदे अंदर मौजूद है कि अज तुसी ओ कुरैशी हो, यहूद दी मुहब्बत ते इतमाद करदे हो, हालांकि यहूद ते ओ कोई ने। गल समझो, प्यारे नबी नाल मुखालफत करदे हो, यहूदियां नाल यहूदियां दी मोहब्बत दा इतमाद कर रहे हो, हालांकि यहूदी ते ओ कोई लोग ने के जनाब जिन्ना ने अपने भाई यूसुफ ते जुलम कीता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल बेवफाई कीती सी, इत्थे ओ कोई लोग ने। एक होर निशानी होर इशारा मौजूद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दस भाई जड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मुखालफत दे अंदर, इसे तरीके नाल इधर दस कबीले दस कबाइल प्यारे नबी दी मुखालफत दे अंदर।
किस तरह रब जुड़ रहे ने। ओ दरदस भाई जिन्होंने यूसुफ करीम दी मुखालफत की थी, ये दरदस कबाइल मौजूद ने प्यारे नबी दी मुखालफत अंदर, लेकिन बाद अज नजूले सूरह यूसुफ यके बाद दीगरे मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी यके बाद दीगरे मुसलमान होंदे चले गए मुखालफत करने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण इसे वास्ते ते बात करनी दे करने दा हक बढ़दा है, उन्हां लोगां नूं भी मुआफी मिल गई। क्यों जी? ला तत्रीब अलैकुमुल यौम दा ऐलान हो गया। इसे तरीके नाल सय्यदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां नूं भी मुआफी मिल गई। ये माना बनता है आयातुल जे सवाल करने वाले वास्ते निशानियां मौजूद ने। एवें ते नहीं अल्लाह करीम ने फरमाया इन्होंने प्रोग्राम बनाया। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम दे भाइयां ने आपस अंदर गल्लां करन लग गए, आपस अंदर बातां कर देने। हां जी कुरान कहंदा इज कालू लयूसुफ व अखूहु अहब इला अबीना मिन्ना। जदों इन लोगों ने आखिया जड़ा यूसुफ है ना और उदा भाई बिन्यामीन है जी, ला यूसुफ व अखूहु अहब्बू इला अबीना मिन्ना। कहते ने साडा बाप इन्हां दोआं नाल ज्यादा प्यार करदा है। ये नहीं आखिया प्यार साडे नाल नहीं करदा, ये नहीं आखिया इन्होंने। गल इस मामले च गल सच्ची है, एक गल कि ज्यादा प्यार करदा है। हाँ जी यूसुफ नाल ज्यादा प्यार है, बिन्यामीन नाल ज्यादा प्यार है। हाँ जी हर वेले यूसुफ यूसुफ ही हुंदी रहिंदी है, साडे नाल ज्यादा प्यार नहीं करदा। इत्थे थोड़ी जी बात रोक करके समझ दिया जाना, भाई भाई दे मामले दे अंदर ज्यादा मोहब्बत वाले दैन दी बर्दाश्त नहीं करदा। अर्श वाला अपने मुकाबले दे अंदर किसे दूसरे दी मोहब्बत किवें बर्दाश्त करेगा? शिरक नहीं अल्लाह नूं बारे शिरक, गल समझो जरा। इसे वास्ते हाँ जी ये नहीं आखिया साढ़े नाल प्यार नहीं करदा बाबा, प्यार करदा है मगर अहब्बु इला अबीना मिन्ना, साढ़े नालों ज्यादा इन्हां दोआं नाल प्यार करदा है। वा नहनु उस्बा, हालांकि असी जत्था असी ताकतवार हाँ जी, असी पूरा एक ग्रुप एक ताकत, किथे दस भरा ते किथे दो होण या इक होवे, ए मुकाबला ते नहीं ना। साडी ज्यादा जरूरत साडे बाबे नूं जरूरतां वाले एक दिन मंगते बने पए ने, मंगते बन के हजरत यूसुफ दे दरबार अंदर गए पए ने। कहंदे ने असीं बड़ियां ताकतां वाले, बड़े बड़ा घमंड सी उहनां नूं, बाहां ते बड़ा माण सी, ते कहंदे कीने नहनु उस्बा असीं जत्था असीं ताकतवर। नाल अल्जाम धरदे ने अपने अब्बे याकूब अलैहिस्सलाम ते, कहंदे ने इन अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। कहते ने साडा बाप वाजे गुमराही दे अंदर है, यानी भटकिया होया है रस्ते तो, इंसाफ नहीं करता। मैं तो इतनी बात अर्ज करांगा मेरे प्यारे वीर, अगर नबी ने इंसाफ नहीं करना तो करना फिर किन्ने? नबी नबी ना इंसाफ ही नहीं करते। हाँ नबी इंसाफ पसंद होंदे ने,
इंसाफ ते नबी, नबी इंसाफ ते नबुवत कैम नबी दी। अल्लाह अकबर, ना इंसाफी दा ते सोच ही नहीं सकदे, ते मगर कहंदे किने बाबा बाबा साडे नाल इंसाफ नहीं करदा, अल्जाम गलत लाया है। हजरत यूसुफ अले सलातो असलाम दे भाइयां ने अपने बाप दे इधर वेख दिया चला जाना। अगली ऐत अंदर कमाल नहीं हो गई ने ना, है जी एदा तर्जमा, इस ऐत का तर्जमा मौलवी दिल पजीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कमाल दर्जे का किया। मौलवी अब्दुस्तार बेश बेश ने इन्होंने चीज़ों के तर्जमा कर दे, और जेड़ा तर्जमा मौलवी दिल पजीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कर छड़िया, शायद ही कोई दूसरा बंदा कर सके। कुराने कुराने पाक दी आयतां दे नक्शे खिंच के रख दिते है जी पंजाबी शेरां दे अंदर। और एक वो किताब मैनू सन 88 की बात है, सन 88 च मौलवी मुहम्मद इस्माइल साडे रैलेटिव ही लगते ने है जी उन्हां कोलों मिली सी, फिर वो वापस लै गए, पता नहीं कितने गई कितने नहीं। मैं उदा खुलासा ते निचोड़ अपने को महफूज कर लिया, बल्कि दूसरे शायद ही किसी को पूरे मुल्क अंदर शायद कोई एक अद्धा बंदा दो बंदे होण जिन्हां कोले वो किताब होवे, बस बाकी नहीं नायाब किताब है। तो बर कैफ अल्लाह अकबर हाँ जी ओदे अंदर कमाल नक्शा खिंचे आए। कहंदे ने बिन्यामीन ते यूसुफ दोवें हसन सके भाई, यूसुफ बिन्यामीन ते यूसुफ हसन सके भाई, दूजे दस मतरेरे भाई ताइयों अजोड़ बनाई, आखण दुआ बिरावा ताई बाप प्यार करेंदा। नक्शे ही खिचे मौलवी दिल पजीर रहमतुल्ला अलैह ने, कहंदे ने आखण दुआ बिरावा ताई बाप प्यार करेंदा, ज्यों कर खबर कुरान कुरान मजीदों अल्लाह मालिक देंदा, अखी अगे यूसुफ ताई हर दम बाप रखेंदा, सारिया पुत्रा नालों उसनू वद प्यार करेंदा, अहब्बु इला अबीना मिन तर्जमा किया है ना इतना दा। अल्लाहु अकबर नाल कहंदे की ने इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन। कहंदे ने साडा बाबा वाजे गुबराई अंदर जा चुके है, ये इन्ना इन्ना हजरत याकूब अलैहि सलाम दे पुत्रां दा अल्जाम गलत सी, अल्लाह दे नबी इंसाफ ते मबनी ने है जी वध घट किसे नाल ज़्यादती नहीं करदे। जिहड़ा ज़्यादा प्यार सी इक ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नाल ज़्यादा प्यार, बिन्यामीन नाल ज़्यादा प्यार उन्हां दे यतीम होने दी वजह करके, कहते दोहां नाल ज़्यादा प्यार करता साढ़े नाल, साढ़े नाल करता लेकिन उन्हां तो घट है जी, उन्होंने ज्यादा है, हालांकि उन्होंने यतीम होने की वजह करके। दूसरी वजह भी हो सकती है सिगर सिन्नी की वजह, यानी मासूम होने की वजह करके। मासूम ते दुश्मन भी तरस खा जाता है, लेकिन अजकल दा यहूदी वेखो ना फलस्तीन अंदर की कुछ नहीं हो रहा, छोटे छोटे बच्चों मावां दी गोदियां चो खो के उन्होंने ज़िबा किया जा रहा है मावां के सामने। अल्लाह अल्लाह अकबर है जी, अज दा यहूदी ते अज दा मूदी एको नस्ल है, क्यों जी
ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ, ਇਤਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲ, ਮੋਦੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਆਖੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਰਸਵਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਹੈਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਕਹੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐ ਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਐ ਕਾਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੇਜੋ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਲਾਹ ਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਐ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਅਗਲੀ ਐਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਕਤਲ ਯੂਸਫ ਵਅਵਿਤਰਹੂ ਅਰਜ਼ਨ ਯਕਲ ਲਕੁਮ ਵਜੂ ਅਬੀਕੁਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਵਿਤਰਹੂ ਅਰਜ਼ਨ ਯਕਲ ਲਕੁਮ ਵਜੂ ਅਬੀਕੁਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
मकसद नेक है। क्यों जी? बाप की रजा चाहना नेक मकसद है ना, तो रजा चाहन वास्ते अमल। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम नू कतल करन दा प्रोग्राम बनाया, बुरा अमल किया जा रहा है। यानी नेक मकसद वास्ते अमल बुरा। तजवीज ए दिती है इस आयत अंदर, तजवीज ए दिती है कि यूसुफ नू कतल कर देइए। तजवीज दा फायदा ए दसिया है कि बाप दी मेहरबानी, बाप दी हमदर्दी हासिल करना। कहंदे की ने कतल करो यूसुफ दे ताई भाई कर सलाही, या फिर दूर किसे धरती विच सुट आओ उस ताई, वेला खोसी बाप तू साडा जा यूसुफ टुर जासी, आपे हर दम साडे उते शफकत मेर कमासी, जा यूसुफ नू मार गवाओ या देसो दूर कढ़ाओ, इस दी पिछे नेकियां करके, इस दी पिछे तौबा करके चंगे अमल कमाओ, वतकूनू मिन बादी कौमन सालिहीन। बस एक काम कर लो, ये बाद नेक बन जाएंगे। बस आप वेखो शैतानी, इनू कहते ने शैतानी तफसीर, इबलीसी शरा। समझ आई ना बात? मौलाना अब्दुल हक हाफिज अब्दुल हक सिद्दीकी याद आए, कहते ने इबलीसी शरा यह है कि इबलीस यानी बहुत बड़े अपने इलम के घुमंड अंदर अल्लाह सोने नाल मुनाजरा कर लग गया। इबलीस ये इबलीसी शरा है जे अपनी मर्जी की कीती जाए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। कहते कि ने अल्लाह अकबर, कमाल दर्जे की बात। कहते ने कतल करो यूसुफ दे ताई भाई करन सलाही, या फिर दूर किसे धरती विच सुट आओ उस ताई, वेला खोसी बाप तू साडा जा यूसुफ टुर जासी, आपे हर दम उपर साडे शफकत मेर कमासी, जा यूसुफ नू मार गवाओ या देसो दूर कढ़ाओ, और इस दी पिछे तौबा करके चंगे अमल कमाओ, वतकूनू मिन बादी कौमन सालिहीन। इहदे बाद कहंदे ने नेक बन जा। अल्लाह अल्लाह अकबर। जी जी, हुण इत्थे को नुक्ता समझो जिहड़ा कुरान ने बयान फरमाया है। नफ्स और शैतान दा इतना बड़ा है धोखा है कि हजार हाथ जराइम और कबायर दायर तकाब इंसान ऐसे शैतानी धोखे दे अंदर आके कर बैठदा है। बस ए इन्ना कर लिए फिर तौबा कर लांगे, ए इन्ना काम कर लिए फिर नमाजा पढ़ लांगे, बख्शवा लांगे अल्लाह को। ये शैतान दा बहुत वड्डा धोखा जी। हाँ जी, इस धोखे अंदर आके इंसान बड़े बड़े जराइम कबीरा गुनावा दा इर्तिकाब कर लेंदा है। अल्लाह जी मेरे प्यारे भाई, मेरे शैतान ने आमाल नू मुज़य्यन कर दिता है ना, ज़ुज्जिना लहुमु शैतानु अमालहुम। शैतान ने ना वास्ते उन्हां दे अमलां नू मुज़य्यन कर छड़िया है। ये तो गल ये भी साबित हुई शरा दे खिलाफ, कोई अमल नेक नहीं हो सकता। शरीयत दे खिलाफ कोई अमल नेक हो सकता
नहीं हो सकता। नमाज शरा के खिलाफ पढ़ो, नमाज नहीं होएगी। रोज़ा शरीयत के खिलाफ रखो, नहीं होएगा। हैं हाँ जी, इस तरीके नाल हज करो शरीयत के खिलाफ। जेड़ा भी अमल दुनिया का रह लो, जितने भी नेक अमल जिन्हों असी तुसी समझने, अगर मेरे महबूब की सुन्नत तो हट के किते जान, शरा के खिलाफ किते जान, अपनी मर्जी नाल किते अदा किते जान, वो अमल नेक हो सकते, उन्हां दा अजर नहीं मिलेगा। इस वास्ते ये पॉइंट याद रखना, शरा दे खिलाफ कोई अमल भी नेक नहीं हो सकता, खाओ कितना ही अच्छा मालूम हो रहा होवे। अगे वेखना जरा, एवें ते नहीं अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अंदर कितने ही प्यारे अंदाज नाल बयान फरमाया है। उन्हां चो बोलिया गल करदा है, हां जी गल करन वाला गल करदा है, कहंदा कल कायल منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة والسيارة إن كنتم صادقين। हुण नवी बात खोल ली इन्हां ने, कहंदे ने यूसुफ अलैह सलाम नूं कतल कर दिता जाए, या फिर इंज करो किसे पुराने अंधे कुएं दे अंदर खूह अंदर सुट दिता जावे। आवणगे सयारा यानी आवणगे काफले आणगे और जनाब चुक करके लै जाणगे, या मर खप जाएगा कुएं दे अंदर। अगर तुसी करना ही चाहते हो कतल ना करो, खूह च सुट दियो। इन कुन तुम फाइली, अगर तुसी करना चाहते इंज करो, यानी मता पका लिया, गल बात है हो गई। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम दे बारे अंदर ये जनाब गल हो गई, और जनाब एदे बाद कहंदे की ने, जनाब इस तरह करो कि हुण जनाब इतना कम जरूर करो कि यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम दे बारे अंदर इनू जनाब दूर ऐसी जगह ते भेज दो कि दोबारा वापस ना आवे, वापस ना आ सके, बाप दे मत्थे ना लगे। अल्लाह जी 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 जी, सय्यदिना हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम नूं इवें जनाब प्रोग्राम बनाने दे बाद हुण बाप नूं राजी करन लग गए। कहंदे ने कालू या बन मलक ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। कहते ने अबू तुहानू की हो गया है, साढ़े नाल साढ़े वीर यूसुफ नू क्यों ने जे भेज दे, हाँ जी असी इहदी हिफाजत कर जाने, हिफाजत करांगे। इन बेशक हम ये भी ताकीद वास्ते लहू उसके लिए फिर लाम जबर असी ओदे खैर खां औसिल गुमैन, असी साढ़े नाल भेज अबू जी यूसुफ साढ़े वीरे नू, एक खेल कूद आएगा, चुग चार आएगा। व इन लहू लहाफिज़ू, कहते ने असी उदियां हिफाजत भी करन जाने, पक्की बात है। देखो झूठा बंदा उन्हों पहले ही उन्होंने दिल च खटका होंदा कि मेरी गल मन्नी नहीं जानी, तो पहले ही हाथ पैर मारते ने, बनते ने, कसमां चुकते ने, लाम ताकीद दा वो कसम के मान च ही आंदा जरूर जरूर असी इंज करांगे। पहले अबू हो की गया तेनों, साढ़े नाल क्यों नहीं भेजता साढ़े भरा नूं, है जी क्यों नहीं करता, साढ़े ते इतमाद क्यों नहीं करता। पहले ही उन्होंने पता होंगे कि मेरी गल मनी जानी,
अल्लाह अकबर। अगे भी कहो जहा जुमला आ रहा है, वाह जी जी, कुरान ने बड़े बड़े प्यारे मसाइल दसे ने ना, अल्लाह 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 इवें इस तरीके नाल कहंदे की ने, कहंदे ने अबू जी साढ़े नाल साढ़े वीरे नू भेजना, इस वास्ते असी अपने वीरे नू जनाब है जी खड़ावांगे। और बिरादरां ने यूसुफ है जी बातां करदे पए ने, उन्हां दीआं कसमां कुराना दीआं बातां बड़ियां ही जनाब पैर बन बन करके हाथ पैर बन के बातां करदे ने। उन्हां बातां नू सुनने दे बाद हजरत याकूब अलैहि सलाम ने खदशा जाहिर कीता कि इन्हां दी गल विच हकानियत ते सच्चाई नजर नहीं आ रही। खदशा जाहिर कीता कहिंदे काल इन्नी लयहज़ुनी अन तज़हबू बी व अखाफु अन याकुलहु ज़िब्ब व अंतुम अन्हु गाफिलून। कहंदे ने बेटे ओ मैनू डर लगता है, गम मैनू खाए जा रहा है कि तुसी दौड़ो भजो नसो, दौड़दे दौड़दे किधरे दूर ना निकल जाओ, और मैं डरना कि किधरे मेरे बेटे यूसुफ नू भेड़िया ना खा जाए। वह अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुसी इस बात तो गाफल ही होवो, तुहानू पता ही ना चले। अगो फिर कहंदे कालू कालू लइन अकलहु ज़िब्ब व नहनु उस्बा। फिर वही लफ्ज़ बोलते ने, अगर भेड़िया खा जाए ते असी एडे एडे जवान एडे एडे गबरू एडे एडे जनाब हैं जी कड़ियल पहलवाना तरह जवान, आखिर नबी ज़ादे सन ना हैं जी, असी इतने फिराक होइए साड़ी मौजूदगी दे अंदर, भेड़िया भेड़िया खा जावे फिर ते इन्ना इज़ल खासिरू, फिर साढ़े तो ते निकम्मा होर कोई नहीं होएगा, साढ़े नाल फिर निकम्मा केड़ा होना है अगर इंज खो जावे। फलम्मा फलम्मा ज़गबूबी व अजमाऊ अन यजअलूहु फी गयबतिल जुब, इस वास्ते के यूसुफ अलैहिस्सलाम नू किसे कुएं दे अंदर सुट दईए, जदों जनाब लैके चले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू लैके, बड़े जोरदार नाल बात करदे ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नू, मजबूर होके बेटियां दी बात मननी पई। किसे वेले बाप मजबूर हो जांदा है, क्यों जी पुत्रां दे पर बात मजबूरन मन्नी है जी, ना लेके जा रहे ने। इत्थे बिरादरां ने यूसुफ दा जुलम रूहुल मानी आले ने जिल्द नंबर 12 दे अंदर कमाल अंदाज नाल कीता है, कहंदा फलम्मा खरजू बिही जालू यहमिलूनहु अला रिकाबिहिम, जदों लैके चले ने इजाजत मिल गई चलो लै जाओ अपने भाई नू, एक दूसरे तो वध वध के है जी मोढ़िया ते चुकण वास्ते, को कहता मैं अपने वीर यूसुफ नू उठावांगा, मैं अपने वीर यूसुफ नू चुकांगा। हजरत याकूब अलैहि सलाम नू सुनाण वास्ते गल्लां हो रही ने, है जी इठा उठा लै गल जामी निकले ते उठा लिया अपने वीरे यूसुफ नू, यहमिलूनहु अला रिकाबिहिम अपने कंधियां ते उठा लिया, अपनी गर्दन दे उत्ते बिठा लिया। व याकूब यंज़ुरु इलैहिम, हजरत याकूब अलैहि सलाम इन्हां वल वेख रहे ने, जदों हजरत याकूब अलैहि सलाम नजरां तो ओझल हो गए, अलकूहु इलल अर्द,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जमीन ते पटका मारिया और उन्हां दी अदावत जाहिर होण लग गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बुरा कहण लग गए, मारना शुरू कर देने। मौलवी अब्दुल सत्तार रहमहुल्लाह तआला वो कहंदे ने, ओ भाई जिस नाल महब्बत मोड़िया उपर जाया, ओ भाई जिस नाल महब्बत मोड़िया उपर जाया, उस भाई ने दुश्मन वांगो उपर जमीन पटकाया। हाँ जी, दूजे नू दिल गुस्सा चढ़िया सख्त तमाचे मारे, जिस वल हजरत यूसुफ जावे मारन आवन सारे। जिमें मुसीबत उस दिन गुजरी वो किस्सा कौन सुनावे, नौ को पेंडा शहर किनानो यूसुफ रोंदा जावे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोंदे जा रहे ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सारे भाई, हजरत यूसुफ अपने कले कले भाई दे अगे वारी वारी शफकत और हमदर्दी दी भीख मंगदे ने, वीरे ओ मैनू ना मारियो, मैनू ना मारियो। और बाप दा कीता होया, बाप नाल कीता होया वादा याद करवांदे ने, वीरे ओ वादा नहीं कीता जी बाबे नाल, ओ इन्ना लहू लनासिहून, ये भी ते वादा कीता जी, ओ इन्ना लहू लहाफिजून। मगर किसे भराए भाई दे दिल अंदर जर्रा बराबर तरस नहीं आ रहा, भाइयों के दिल च नरमी नहीं पैदा हो रही। बस जदो इंसान वाह काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या इंसान सी, अल्लाह ने एक इंसान करोड़ा इंसाना दे मुकाबले दा बना चढ़िया, काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इत्थों इस्तंबात करदे ने अपनी अल जमाल वल कमाल दे अंदर, क्यों जी हर बंदे दा एक तरीकाकार है जी। मैं बेशुमार तफासीर बेशुमार तफसीरां पढ़िया हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी सीरत दे बारे अंदर, बहुत सारिया किताबां दा मुतालिया कीता, लेकिन सारिया किताबां खतीब पढ़दा जरूर है, लेकिन एक किताब ऐसी होंदी उन्हां चो जिहड़ी सारिया दी सरदार होवे उहनूं मेन हैसीयत दिंदा है, मेन हैसीयत। इस वास्ते ज्यादा बातें अल जमाल वल कमाल चो बयान होन गईयां, क्यों जो उन्हां दा जवाब ही कोई नहीं, अज तक ओह जी किताब लिखी नहीं गई, मैं पहले दस चुकिया तुहानू। अल्लाह अकबर, इधर वेखदा चला जाना हजरत काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इधर वेखो ना हुण भाई है ना, भाई दी इस बात ते भाई अपने भाइयों नू बार बार तरले पांदा है, बार बारी वारी उन्हां तों हमदर्दी दी भीख मंगदा है, लेकिन गल सुनदे नहीं, गल मनन वास्ते तैयार नहीं, किसे दे दिल अंदर जर्रा बराबर नरमी पैदा नहीं हो रही, सख्ती अंदर बढ़ते ही जा रहे ने। हुण काजी साहब कहंदे ने, जदों इंसान मुकल्लदाना ज़हन बना लवे ते उस वेले ओदे सामने हकायक और दलाइल कुरान दियां आयतां हदीसां दा असर कबूल नहीं करदा, ओदे वास्ते इन्हां चीज़ां दा कोई असर नहीं हुंदा ओदे ते, जदों पहले ही मुकल्लदाना ज़हन बना लवे। बस इंज करना जी, एक जान बुझ के अपने आप नूं गलत दायरे दे अंदर महदूद कर लवे ते फिर उन्हूं ना कुरान पाक दियां आयतां समझ आंदियां ने, ना दलायल समझ आंदे ने, ना हदीसां, भावें बुखारी और मुस्लिम दियां रखो उन्हां दियां भी तावीलां कीती जांदा, तावील ऐ जे तकलीद दा इतना बुरा असर, तकलीद दा नुकसान है। ला ला ला, इस वास्ते ते मैं अर्ज़ कर रहा ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाँ जी करीब सी के भाई हजरत यूसुफ नू मार 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 करके जान तो ही मार देंदे, मासूम यूसुफ नू खत्म ही कर देंदे, मगर यूसुफ दी चीख चीखो
पुकार सुन करके यहूदा बोलिया कहिंदा ओ भाईओ ओ यहूदे दा जदो दिल भर आया कहिंदा उहदे ते रिक्कतारी हो गई कहिंदा भाईओ तुसी सारिया ने यूसुफ नू ना कतल करने दा मेरे नाल वादा कीता होया है इनू जान तो ना मारो ये कतल करना बहुत बड़ा गुनाह है गुनाह और जुर्मे अजीम जे इनू वालद दे कोल पहुंचा दियो प्यो दे कोल छड़ आओ आखर उन्होंने इतनी गल मान ली चलो मार दे नहीं इनू खूह अंदर लटकाने दा प्रोग्राम बनाया अजी हुण जतीम यूसुफ नू मार दिया होया मार 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 करके कुएं दे कोल लियांदा गया और कमीस उतार ली गई ते यूसुफ अले सलाम इधर उधर भजन की कोशिश करते ने मगर ए जालिम भाई जनाब सख्ती नाल यूसुफ नू दबोच लेंदे ने और जनाब कमर नाल रस्सी बन दिती गई है रस्सी बन के लटकांदे पै ने हजरत यूसुफ अले सलाम नू कुएं दी मडीर दे उते हजरत यूसुफ अले सलाम ने मडीर ते हाथ रखे हुए कुएं दी मडीर नू एवें हाथ पाए हुए ए भाई मासूम हत्ता ते बार बार छड़ियां मार दे ने छड़ियां मार मार करके इधरों जनाब रस्सी लटकाई गई हजरत यूसुफ अले सलाम दी ठंडी सा निकली ते फरमांदे ने ठंडी हा भर के फरमांदे ने या इख्वत या इख्वत अतदउनी वहीदा ओ वीरियो वीरियो मैनू कल्या छड़ चले हो ए मार मार करके कुएं दे अंदर लटका रहे ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ही फिरा कर रहे ने या इख्वत अतदउनी वहीदा हाँ जी वीर हो मैनू कलियां छड़ करके जा रहे हो भाई अगो बतौरे मजाक कहते ने जवाब देंदे ने उदउ शम्स वल कमर वल कवाकिब वल कवाकिब तूलिस तूनिसुका हाँ जी ओ बुला आवाजा मार सूरज ते चांद नू उन्हां सितारिया नू सद तेरी गम गुसारी करन जेड़े ख्वाब अंदर तेनू नजर आंदे ने उन्हां नू आवाज मार तेरी हमदर्दी करन तेरी दिलजोई करन अल्लाह अकबर ऐ मुकल्लदान मुकल्लदाना ज़ेन बन गया बस इको लकीर दे फकीर बन गए कोई तरस नहीं आ रहा हजरत यूसुफ अले सलातो वसलाम अल्लाह अकबर हजरत यूसुफ अले सलाम दी इन्हां दी गल सुनने दे बाद चीख निकल गई ते भाई उपरों कहंदे ने चीख सुन करके कहंदे ने या यूसुफ आवाज मारी किसे भाई ने आवाज मारी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम समझदे ने फवन अल्ला रहमा शायद वीरिया नू तरस आ गया है मैनू कढ लैणगे तरस आ गया है वीरिया नू फौरन जवाब अंदर हजरत यूसुफ कहते ने जी जी वीरियो जी जी वीरियो मगर वीर ते जी जी नू समझ ही नहीं रहे उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए ते यहूदा ने अगे हो करके रोक छड़िया है जदों रस्सी लटकाई गई लस रस्सी कट दिती गई है ते नाजिक जिसम कुएं दे अंदर गिरन लग गया है
उधरों अर्श वाले ने जिब्रील नू हुक्म देता है, जाओ जाओ मेरे प्यारे यूसुफ नू, मेरे बंदे नू अपने नरम नरम हत्थां दे नाल, पोले पोले हत्थां दे नाल, इंतहाई आराम आराम नाल पकड़ के बड़े ही प्यार नाल उस कुएं दे अंदर एक साफ पत्थर ते बिठा दियो। अल्लाह अल्लाह की मदद किवें आ रही है। जी जी मेरे प्यारे वीर, हुण नाल ही वही आ गई। अर्श वाले फरमाया है वऔहैना इलैहि लतुलब्बी अन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा। अल्लाह कहंदा है मेरे यूसुफ प्यारे, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُلَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ। उन्हां नूं पता ही नहीं होएगा मेरे यूसुफ, वो वक्त आएगा इन्हां नूं ये बात जतलाने दा तुहानू मौका दिता जाएगा, ये बातां तुसी जतलाओगे। लतुनबीअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, इन्हां गल्लां सारियां नूं याद करवाओगे, इन्हां नूं खबर दोगे इन्हां गल्लां दी। वाह जी वाह, कुएं दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ते वही आ गई। हुण जनाब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं कुएं अंदर सुट के आ गए। वजाऊहुम आ गए जनाब वापस, वजाऊहुम अबाहुम, हाँ जी वजाऊ अबाहुम इशा अबकूल, रोंदे आए बैन पांदे आए। अल्लाह अकबर, अंधेरे वेले आए, अंधेरे वेले क्यों आए? इस वास्ते के जनाब पता नहीं चलना रात आउट ना हो जावे, क्यों जो मसनूई बहरूप बनावन वाले बंदे नू अंधेरे दी तलाश होंदी है, ओदा ईमान जो खत्म होया हुंदा है। इस वास्ते जनाब ओदा जनाब फराड लुक जाएगा, चुप जाएगा, इस वास्ते अंधेरे अंदर आए। आके कहंदे ने बाबा बाबा जी, असी तो जनाब दौड़ वास्ते एक दूसरे तो अगे निकल वास्ते दूर निकल गए। फाका लहु जीब, हजरत यूसुफ नू भेड़िया खा गया। अगे कहंदे किले अबू जी गल तू मननी नहीं साड़ी, असी जितने भी सच्चे होइए, भावें असी जितने भी सच्चे होइए, साड़ी गल तू मननी नहीं। ऐ जे मान आया था यानी झूठे बंदे नू गल करन तो पहले ये उदे दिल च खटका हुंदा कि मेरी गल मननी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, समझ आई बात? जी जी, इसे वास्ते हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम, अल्लाह अकबर, इन्हां नू कुएं विच सुट के आ गए। ते जनाब कुर्ता कुर्ते नू हां जी जनाब झूठा खून ला करके आ गए। हजरत याकूब अलैहि सलाम नू कुर्ता पेश कीता है। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने कुर्ता इवें फोलना शुरू किया, फोलदिया फोलदिया एक नुकता लभिया। हजरत यूसुफ कहंदे ने तुसी कहो बगियाड़ा खादा, यूसुफ बदर मुनीरा, तुसी कहो बगियाड़ा खादा, यूसुफ बदर मुनीरा, कुर्ता किवें रिया सलामत, क्यों ना कुया जे लीरा, ए बगियाड़ तू साडे नालो
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰਾ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯੂਸਫ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਾਊ ਅਲਾ ਕਮੀਸਹੀ ਬਿਦਮਿਨ ਕਾਜ਼ਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅੰਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ ਬਾਰਾ ਫੇਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹ ਮੌਲੀ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਾ ਫੇਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਫਸਾਂ ਖੇਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਵਿਖਲਾਇਆ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀ ਦੇਸੀ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਪਾਕ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਸਬਰ ਗਵਾਵਣ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਵਣ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਵਣ ਕਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪਾਵਣ ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਕਮਾਂਦੇ ਵਾਂਗ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਹੋਰਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਆਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇ ਵਸਬਰੂ ਤਵਬੁਲ ਜੰਨਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੰਨਤ ਰੱਖਿਆ ਯਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸਬਰ ਕਮਾਇਆ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸਬਰ ਕਮਾਇਆ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰੇ ਐਸਾ ਸਾਬਿਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਲਮ ਸਾਰੇ ਪਰ ਸਬਰ ਜਮੀ والله المستعان على ما تصفون